This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो लास्ट लैब में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो सुशांत ने भी आई थिंक देखा ही होगा वीडियो, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बाकी आज का भी लैब 50% मान के चलो उसी के बेसिस पे होना है तुम्हारा। एनी डाउट किसी को भी? सर जी सर, माइक ऑन रखिए सर, 5 मिनट का टाइम दे दे बस। ओके कोई ना, मेरा पर सूट स्टार्ट है, हम डायरेक्ट लैब पे आ जाते हैं। एंड इनको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, बहुत काम आएगा ये इंटरव्यू वगैरह के लिए। यहाँ पे देखो मैंने उस दिन शायद बताना भी मैं भूल गया था, अगर तुम आओगे नीचे ना ये सब तुम्हें बताया था बेसिकली क्या क्या होता है ये टाइप्स, ब्लाइंड एसक्यूएल, यूनियन अटैक, यहाँ पे वही सारे कमांड्स ही मिलेंगे। बट नीचे एक चीज तुमको बहुत अच्छा मिलेगा जो कि बहुत जरूरी है, वो है तुम्हारा डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट नेम। यस दिस चीज, दिस आइटम, हाउ टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। क्योंकि अगर तुम अटैक कर रहे हो या वीएपीटी करने जा रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन को जब भी तुम एक्सप्लेन करोगे कि अगर वल्नरेबिलिटी उसकी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में है तो उसको प्रिवेंट कैसे करोगे, तो ये चीज़ भी तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल पढ़ लो, खासकर प्रिवेंशन तो बिल्कुल पढ़ लो कि प्रिवेंट कैसे करते हैं हर एक अटैक को, इसको मिटिगेशन भी कहते हैं, कॉमन सी चीज़ है। ठीक है बोला करो गाइस, एक लोग भी बोल दिया करो कम से कम। यस ओके, क्या होती ना मुझे लगता है कि राउटर कनेक्शन छोड़ देता है। ओके 1, 2, 3 and 4 यहाँ तक हम किए थे हाई स्कूल करेंगे आज। पर मैं ज़्यादा लैब्स लेके नहीं चलूँगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हम ट्राई करेंगे 2 से 3 लैब करें बट पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करें, पूरा क्लियर होना चाहिए वो चीज़। आगे के जो लैब्स हैं लाइक बिजनेस लॉजिक ऑथेंटिकेशन के जो लैब्स हैं हमारा, अगर मैं 2 से 3 घंटे में भी कराऊंगा आराम से तुमको, क्योंकि वहाँ पर कुछ समझने की चीज़ होती ही नहीं है इसमें है। तो भाई आ जाओ लैब पे, ये क्या कह रहा है, दिस लैब कंटेंस एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी The last lab in product category filter, the result from the query are returned in the application response to the union attack to retrieve data. And सबसे पहला lab का title SQL injection attack perform करना है, listing the database content, database का content हमको करना है। कल तक हम database version and type कर रहे थे, आज हम database के अंदर जो content होगा उसको dump करेंगे on non-Oracle database। And एक चीज भी पड़ेगा हमको से तुमको आइडिया लगेगा, क्योंकि कमांड जब यहाँ पे तुम देखोगे ना तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ वेबसाइट से ही, नहीं तो मैं एंटर करूँगा तुमको कंफ्यूजन होगा। सुशांत हाँ हाँ कल समझ में तो आ गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं भाई, हमारा रिक्वेस्ट है इसको हम रिपीटर पे सेंड करेंगे, और ये तो सबको पता होगा रिपीटर पे हम क्यों करते हैं, और इसको चेक करने के लिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं सिंगल कोट करेंगे एंड रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। इंटरनल सर्वर एरर आ गया, फिर से हम एक सिंगल कोड फिर से एंटर करेंगे एंड सेंड करेंगे। अगर हमारा 200 ओके आ रहा है इसका मतलब हमारा SQLI यहाँ पे वर्क कर सकता है, हम यहाँ पे कुछ भी SQL इंजेक्शन के पेलोड्स दे सकते हैं। ठीक है वो भी हमारा लैब क्या कह रहा है ये चीज़ हम देखते हैं। द एप्लीकेशन हैज़ अ लॉजिक फंक्शन एंड द डेटाबेस कंटेन्स अ टेबल दैट होल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके You need to define the name of this table and the column it contains.
retrieve the content of the table to obtain the username and password to solve the lab login as administrator. तो भाई हमको इस डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम मिलेगा एंड पासवर्ड भी मिलेगा. कॉलम फाइंड आउट करने के लिए कमांड क्या होता है कोई भी? जी सर. कॉलम फाइंड आउट करने के लिए कमांड क्या होता है? एंड एक चीज बहुत ध्यान देना, लैब हमारा पहले ही बोल रहा है नॉन ओरेकल डेटाबेस है. तो MySQL पोर्ट क्या था वो पोर्ट वाला जोन सा होता है वो हो सकता है MySQL हो सकता है. जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे कमेंट का साइन बेसिकली, तो ओरेकल का जो कमेंट का सिस्टम होता है वही हमारा PostgreSQL का भी होता है. तो मैं बेसिकली पहले ओरेकल वाला ही कमेंट ट्राई करूंगा लाइक PostgreSQL का. ठीक है, अगर मेरा इस पे वर्क कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी बाद में भी हम डिफाइन करेंगे कैसे हमें डेटाबेस में करना है. कंट्रोल सी किया मैंने. पहले तो बेसिकली वही निकालना पड़ेगा हमें सारे इसके कॉलम वो महाराज मुझे तो पता ही था, मैं तो इनसे पूछ रहा था. कोई दिक्कत नहीं, उनको भी क्लियर है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा उनको. मैंने कल भी करवाया. नहीं यही हूँ, एक सेकंड बस. अच्छा, सॉरी गाइस, मैंने गलती कर दी थी. मैंने अपने पीसी को चार्जिंग में नहीं लगाया था एंड पीसी मेरा शटडाउन हो गया. ठीक कर रहा था नजीम, ठीक है. पैरामीटर ढूंढते सबसे पहले. हाँ, पैरामीटर ढूंढते हैं बस इस, बट इसने हमको पहले ही बता दिया कि प्रोडक्ट कैटेगरी में है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर पे हम कर रहे हैं इस पर. ठीक है, एंड हम इसको अगर सेंड करते हैं फिर से हमारा 200 होके आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि दो कॉलम भी एग्जिस्ट करते हैं. एंड फिर इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाऊँगा जैसे मैंने पहले ही बताया था. 3 पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? कितने कॉलम आ रहे हैं? दो कॉलम. ओके, टेक्स्ट वैल्यू कौन सा को अब कितने कॉलम दे रहे चेक करने का मतलब कॉलम अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज आता है क्या कि
ये चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम हमारा टेक्स्ट डेटा होल्ड कर रहा है, और लैब हमारा इसका है कि नॉन-ओरेकल है, तो वहाँ पे एक चीज ध्यान देना। यस, डेटाबेस वर्जन हम पहले निकालेंगे कि हमारा डेटाबेस वर्जन है। देखो वहाँ से तो कंफर्मेशन तुमको हो भी सकता है, बट हम इसके थ्रू भी पहले कंफर्म करेंगे कि हमारा डेटाबेस वर्जन है क्या। वो नॉन और एकल कह रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से हमारा कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। सबसे Yes. पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पे ट्राई करेंगे। कि कितने कॉलम ऐसे हैं जो कि टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। कल है तो यहाँ पे हमको टेबल की जरूरत नहीं है, क्यों अजय? हाँ अगर ओरेकल होता तो हमको एक टेबल देना पड़ता फ्रॉम कर। नॉन ओरेकल है इसलिए टेबल देना। URL इनकोडिंग करेंगे इसकी, सेंड करेंगे। अगर 200 ओके आया, 200 ओके आ गया, इसका मतलब हमारा जो दोनों कॉलम है, दोनों कॉलम हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। अभी ये बात आती है कि हमको चेक करना है कि डेटाबेस का टाइप क्या है। सेलेक्ट कॉलम का नेम और डेटाबेस कौन सा है, मतलब ओरिजिन उसका कम है। @@ और यूनियन बेसिकली ये होगा तुम्हारा, एंड तुमको पता है एक दो कॉलम है, एक कॉलम के लिए हम एक्स्ट्रा क्या वैल्यू देते हैं? नल। नल, यस यस। इसको देखो कमेंट साइन से तो वैसे भी हमको चेक हो रहा है कि अगर ये कमेंट की वैल्यू चल रही है हाइफन हाइफन लाइक डैश डैश, तो वैसे भी तुम क्लियर हो जाओ कि हाँ ये पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ही होगा। बट इसको अभी हम क्रॉस चेक करेंगे फिर भी, क्योंकि अभी अगर इस रिजल्ट को मैं डालूंगा देखना, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट से लिया है, तो यहाँ पे ये इरर अगर प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं होगा। सर्वर जो हमारा है डेटाबेस का, वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं होगा, ठीक है। छोटे छोटे कमांड्स हैं याद कर लो। इंटरनल सर्वर एरर मिल गया हमको, यस। का मतलब क्या है कि हमारा डेटाबेस टाइप जो है पोस्टग्रेस के है। नहीं, पोस्टग्रेस का नहीं है, बेसिकली हमको ये आइडिया हुआ कि ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। यस। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा डेटाबेस का टाइप जो आता है नॉन ओरेकल में, वो पोस्टग्रेस के है। इसके लिए हम इसका यूज करेंगे वर्जन का, वर्जन ऑल ब्रैकेट, मैं पेलोड में चेंजिंग करूंगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट का होता तो कमांड उसको भी यही है ना सेम। यस, माइक्रोसॉफ्ट का अगर चेक करना है तो लास्ट वाला कमांड यूज कर सकते हो। अगर मैं इस Yes, पेलोड को कॉपी करूं और ये वर्जन भी मैं भी दिखा देगा तुमको, भी देखते हैं, ये दिखाना चाहिए वर्जन। अगर पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का हुआ तो ये वर्जन भी शो करे, ठीक है। कल कर भी रहा था, कल हमने देखा भी था। हाँ ओके, 200 ओके आ गया हमारा, इसका मतलब पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का डेटाबेस सर्वर है इसका। एंड अगर मैं ट्राई करूँ नीचे में भी दिखाई दे हमको वर्जन, ऐसे ही तो फाइंड आउट किए थे जो नॉन ओरेकल का था, जिसमें 8.0. यस, ये रहा ना पोस्ट ग्रे स्क्वेल 12.15 दिस। क्लियर हो गया? यस भाई।
अभी बात आती है कि इसके डेटाबेस के कंटेंट को अगर हमको डंप करना है तो हम किस कमांड का यूज कर सकते हैं। देखो डेटाबेस कंटेंट डंपिंग ऑलरेडी कमांड दे के रखा है, यहाँ पे जस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, बट चेंजिंग करना पड़ेगा तुमको। क्या होगा एक सेकेंड, कंट्रोल ए, सिंगल कोट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फंक्शंस, ऐसे ही हमारे पास कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम देंगे इसको टेबल नेम। टेबल नेम क्यों देंगे, ये चीज मैंने कल दिखा दिया था इंफॉर्मेशन स्कीमा में, देखे थे ना, फिर से दिखाऊं। आज जो ज्वाइन हुए हैं उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हो क्या रहा है। सॉरी इंफॉर्मेशन स्कीमा होगा, डाउट क्लियर करते चलो। और इंफॉर्मेशन स्कीमा एक काम करना, डाउनलोड कर लेना सारे लोग, मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम दे देंगे टेबल नेम एंड कुछ और हो सकता है लाइक नल, यस नल देना पड़ेगा हमको क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, बट यहाँ पे एक चीज और तुम देखोगे, अगर ये फ्रॉम का वैल्यू ले रहा है एंड इस चीज को लेना चाहिए, बट मैं रिसर्च करके बताऊंगा इसको, मे बी पोस्ट ग्रे एसक्यूएल भी हमारा फ्रॉम स्टेटमेंट लेता हो। कल जो हम कर रहे थे वो माई एसक्यूएल का था तो उसमें नहीं लेना था। अगर मैं इसको यहाँ पे इंटर करूँ करेगा, ये फ्रॉम क्लॉज का यूज भी करेगा, इसको श्योर हो जाओ, क्योंकि अगर ये यहाँ पे वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि पोस्ट ग्रेस्क्यूएल भी एक, अगर बेसिकली तुम टेबल का डाटा डंप कर रहे हो तो फ्रॉम क्लॉज का यूज कर सकते हो। इसने कुछ डंप किया डेटा, 200 ओके का रिस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स हमको दिया है। एंड देखते हैं क्लॉथ पीजी अवेलेबल पीजी यूजर, हमको देखो बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, यूजर्स का फाइंड आउट करना है में हमारे, जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा, तो वो टेबल कौन सा है, ये है, ठीक है, इसी टेबल के अंदर हमारा सारा डेटा क्या कर रहा है भाई, रिकॉर्ड द टेबल ओके। अभी बात आती है कि हमको कॉलम फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड कॉलम के लिए कमांड क्या होगा, एनी आइडिया किसी को, कॉलम नेम कर दे। यस सेम, देखो यहीं से तुम सब कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन स्कीमा में भी हमारा अभी ओपन नहीं हो रहा है, वेट करना, इंटरसेप्ट क्योंकि मेरा ये चल रहा है, ये कर लेगा। मैं यहाँ पे अगर तुमको दिखा दूँ टेबल नेम एंड कॉलम नेम हम कहाँ से ले रहे हैं, वो चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन कल वैसे मैंने किया था सब, ऊपर गया तो डॉक्यूमेंटेशन कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेबल नेम फाइंड आउट करने के लिए टेबल अंडर स्कोर नेम देंगे, कॉलम नेम के लिए भी सेम कॉलम अंडर स्कोर नेम देंगे, ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये दूसरा चीज़ आ रहा है, वो चीज़ नहीं है जो मैंने कल दिखाया था, कल वाले वीडियो में रिपीट करके देख ले, मैंने दिखाया हुआ है, मैं से और हूँ
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा स्टेटमेंट ये हो गया, यहाँ पे सब कुछ सही है, हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे, कॉलम नेम कर देंगे, है क्या, की वैल्यू को चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम कॉलम नेम कर देंगे एंड यूनियन स्टेटमेंट होगा, इसका भी ध्यान देना। एंड नेक्स्ट लैब भी जो होगा हमारा ना सेम ही होगा इसी के ऊपर बस, बट वो ओरेकल है, इसका ध्यान देना। नल तो पता ही है सबको। एंड यहाँ पे टेबल नेम हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि हमारा है ये, इसमें तुम्हें समझ तो आ गया होगा ना कि ये पूरी कमांड कहना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है, अगर किसी को ना हो तो कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। स्टेप्स मैं इनको अभी बता दूंगा कि इसमें आज के लैब में स्टेप्स क्या चल रहे हैं, इसका टेंशन ना लो, क्योंकि कमांड्स तो इनको खुद देखना पड़ेगा। भाई मैंने कमांड कॉपी किया, इसमें नेम की स्पेलिंग गलत है वो ध्यान रखियो, कहाँ पे कॉलम में N M A E है। ओके सही बोल दिए तुम, एंड मुझे कमेंट आउट भी कर, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड को कमेंट आउट भी करूंगा। URL इनकोडिंग किया मैंने, सेंड कर दिया, 200 ओके आ गया मेरा रिस्पांस। यूजर तुम्हें वन मैच आ गया। एंड अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यूजर नेम पे जाऊँगा। देखो एक कॉलम हमारा यूजर नेम का मिल गया हमको, एक कॉलम हमको पासवर्ड का मिल गया। यूजर नेम के कॉलम में हमारा बेसिकली जितने भी यूजर नेम इस वेब एप्लीकेशन पे रन कर रहे होंगे उनका डेटा होगा, एंड पासवर्ड में सेम उनका पासवर्ड होगा साथ में ही, समझ में आ गया? यस सर। जस्ट इसको कॉपी कर लूँगा, एंड लास्ट में बहुत ही नॉर्मल सा कमांड है, कुछ नहीं है। अभी इसके बाद क्या आता है डायरेक्ट कि हम डेटा डंपिंग करेंगे, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड डंप करेंगे इस वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में जितने भी होंगे, के लिए तो सबको पता ही होगा नॉर्मल सा कमांड है हमारा, कॉमन सा सबको पता होता है, यूनियन सिलेक्ट, हाँ यूजर नेम को देंगे, एक कॉलम देंगे उसके बाद दूसरा कॉलम देंगे, तुमको पता होगा दो कॉलम एग्जिस्ट भी कर रहा है हमारे पास, ऐसे नहीं आएगा इसमें क्या चीज डाल डाल, ठीक है ठीक है ठीक है, डाल 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 वो आ गया है, ठीक है कहाँ देख रहे हो, नहीं देख यही रहा हूँ, मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो बाद में, ये तो सिंपल लैब है आगे चलने दो, ठीक है। फ्रॉम क्लॉज का यूज करेंगे, एंड टेबल नेम हमारा क्या था, टेबल नेम क्या था, यूजर्स यूजर्स ये था, फ्रॉम दिस ओके, इसको कॉपी करूंगा भाई लोग, अगर इसको तुमको समझ में आ जाएगा अगर ये लैब, तो नेक्स्ट लैब में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट वहाँ पे लास्ट में खाली यहाँ पे क्या चेंजिंग होगी, जो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम ओरेकल का यूज करेंगे, सना सा चेंज, क्योंकि कमेंट सेक्शन इनका ऐसे भी वर्क कर रहा है, सेम कमेंट सेक्शन है, तो वहाँ पे तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी। मैं इसको पेस्ट करूँगा, एंड अगेन URL इनकोडिंग मस्ट है, इसको ध्यान दिए रहना हमेशा, नहीं तो अगर मैं, अच्छा एक चीज तुम्हें ये भी कंफ्यूजन होगा, अगर मैं ऐसे ही सेंड कर दूँ क्या ये होगा, इंटरनल सर्वर एरर आ गया ना, बट अभी देखना जैसे मैं URL इनकोडिंग का यूज करूंगा, क्योंकि तुम गलत कर रहा सॉरी, वो हट चुका वहां से, भाई ये क्यों ऑटोमेटिक हटा रहे हैं, वो हटता था, ओके स्पेस दे, हां अगर मैं URL इनकोडिंग का यूज जब करूंगा तब यहां पे हमको कोई भी एरर शो नहीं होता है, इसीलिए हम URL इनकोडिंग का यूज करते हैं, नहीं तो तुम सोचोगे हम URL इनकोडिंग कर 200 ओके आ गया अभी,
एंड अभी हमको लैब क्या कह रहा था कि हमको किसका पासवर्ड फाइंड आउट करना था, किस यूजर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च फंक्शन का यूज करूंगा। मिल गया हमको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मिल गया एंड उसका पासवर्ड। एंड अगर तुम और भी देखोगे तो इसके बहुत सारे, विनर एक यूजर है उसका पासवर्ड ये है, ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत टाइप। एक और चीज है, ये जो यूआरएल एनकोडिंग हो रही है वो जो सिर्फ इसी में होती है, बग टूट में। अगर डायरेक्ट किसी साइट पर करते हो तो वो अपने आप कर लेता है, यूआरएल में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक तुम अगर क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो यहाँ पे कर रहे हो तो तुमको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा ब्राउजर खुद वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ऑटोमेटिक कर देगा। बट अगर बग शूट में तुम कर रहे हो तो वो चीज करना पड़ेगा। ऐसा मैं जाऊँगा माई अकाउंट पे, गया मैं, एक सेकंड रुकना सारे लोग। मेरा यूजर नेम ये था, मैं जस्ट पासवर्ड, यूजर नेम तो मुझे पता ही है, मैं टाइप कर लूंगा पासवर्ड, में कॉपी किया। पासवर्ड दिस, मैं लॉग इन किया, हो गया मेरा लैब सॉल्व। सर यस, तो अभी हम आ जाते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिया इस लैब को फाइंड आउट। सबसे पहले क्या, नॉर्मल सी चीज, हमें हमने कॉलम फाइंड आउट किया, हमको दो कॉलम फाइंड आउट हुए। इसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि जो दो कॉलम हमको फाइंड आउट हुए हैं उनमें से कौन कौन सा कॉलम ऐसा है कि जो टेक्स्ट डेटा होल्ड कर रहा है, यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, हमको 200 का रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद हमको लैब में ये भी बोला गया था कि तुम डेटाबेस टाइप भी चेक करो, PostgreSQL है, MySQL है, Oracle, नॉन Oracle वैसे भी था पहले ही, तो माइक्रोसॉफ्ट है, MySQL है, PostgreSQL। हमने इस कमांड के थ्रू पता कर लिया कि PostgreSQL है, हमको उसका वर्जन भी प्रिंट हो गया था, ठीक। जब हमको ये कंफर्म हो गया कि PostgreSQL है, उसके बाद हमने क्या किया, टेबल को डंप किया, टेबल अंडरस्कोर नेम का यूज करके, टेबल हमको टेबल नेम ये फाइंड, बहुत सारे टेबल हमको फाइंड आउट हुए थे जिसमें बेसिकली हमको यूजर का एक्सेस, यूजर का क्रेडेंशियल चाहिए, टेबल पे एंट्री ली, उसको कॉपी किया। फिर उसके इस टेबल के अंदर दो कॉलम हमको फाइंड आउट हुए, कौन कौन से कॉलम नेम हमने फाइंड आउट किया, उसमें दो कॉलम हमको फाइंड आउट, यूजर नेम का, एक पासवर्ड का। उसके बाद जस्ट हमने कुछ नहीं किया, यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम का कॉलम दिया, पासवर्ड का कॉलम दिया फ्रॉम टेबल, तो हमको उसके अंदर का सारा डेटा, सारा कंटेंट हमको डंप हो गया। इसमें एक और चीज है, वो शायद इसमें नहीं है लैब्स में, जहां तक मैंने लैब्स को देखा, मैं फिर भी बता देता हूं, अगर होगी तो भी, जो तुम्हारी यूनियन सेलेक्ट कमांड चल रही है ना, जहां पे हम वर्जन या ये निकाल रहे हैं कॉलम्स, ठीक है, कई बार क्या होता है, जो साइट होती है, जैसे बग बाउंटी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जो साइट होती है उसमें तुम्हारा ये, तुमने ये तो निकाल लिया कि कितने कॉलम्स हैं या जो भी चीज है तुम्हारी, लेकिन जैसे ही तुम यूनियन सेलेक्ट एसी डालोगे ना, तो वो कॉलम को उठाएगा नहीं, वो तुम्हें दिखाएगा नहीं कि वो डाटा होल्ड कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए एक कमांड आती है ग्रुप कॉनकैट, ठीक है, वो होती है मोड सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए। मोड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना, क्या होता है मोड सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए होती है। कई बार होता है कि एक ही चीज में तुम्हें सारे कॉलम निकालने पड़े, जैसे मान लो यहाँ तो ए सी दोनों को होल्ड कर रहा था, तो हमने एक ए की जगह लिख दिया यूजर नेम और सी की जगह लिख दिया पासवर्ड। अब कई बार क्या होता है कि ये ना दिखाए, सिर्फ ए ए को कहे कि ए में ही हो रहा है बस, और कहीं नहीं हो रहा, सी में नहीं हो रहा, तो उसमें हम ग्रुप कॉनकैट की कमांड को यूज करेंगे डाटा को डंप करने के लिए, ठीक है ना। सुनो सुनो, उसके लिए उसका भी लैब है ग्रुप कॉनकैट के ऊपर एंड ग्रिप वगैरह के ऊपर, वो ट्रायक्मी पे, अगर मैं बता दूंगा जिसको नहीं क्लियर होगा उसको भी मैं करवा दूंगा, एक दिन का काम होगा, वो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, एनी डाउट किसी को भी। नो सर। ओके एंड पंकज ट्राई, एक दो दिन लगेगा, जो पास्ट के लैग हमारे पीछे गए उनको कंप्लीट कर लो, वहां पे यूट्यूब में कर लूंगा सर। बिल्कुल ओके सर। हमने चौथा पांचवा ये, इसको हमने कंप्लीट किया ना, अभी हमारा आता है नेक्स्ट लैग ये वाला।
अभी हमारा लैब क्या कह रहा है, और सेम है, सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे कुछ उल्टा नहीं है, जस्ट लास्ट लैब सारी चीज़ें हमको करनी है, बट बस एक चीज चेंज होगा, वो क्या होगा, डेटाबेस कंटेंट फाइंड आउट करने का कमांड लास्ट टाइम हमारा ये था, एंड अभी हम किसको यूज करेंगे, ठीक है? ये लैब क्या कर रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक परफॉर्म करना है, लिस्टिंग द डेटाबेस कंटेंट सेम एज द लास्ट लैब ऑन ओरेकल। पिछली बार क्या था हमारा, नॉन ओरेकल था, अब की बार ओरेकल है, बस इतना सा। और इसमें भी सेम हमको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड फाइंड आउट करके लॉगिन करना है, ठीक है? ओके सर, ये वाला लैब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बट मैं बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ आप तो बताइए, तो फिर भी करते हैं बात करवाऊंगा, 2 मिनट का काम है, मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद दोनों जितने भी लैब हैं सारे लोग कर लो, दोनों लैब कर लो, जिसको प्रॉब्लम आती है मैं सलूशन दे। ओके सर, ठीक है, यस सर। रिपीटर पे सेंड करूंगा, इंटरसेप्ट ऑफ कर दूंगा, सारी चीज़ें सेम होंगी भाई, कॉलम कैसे करना है। यूज़ मुझे लग रहा है ना, एक मुझे टेबल लेना पड़ेगा लैपटॉप के लिए। हाँ मतलब इसी सारी चीज़ों के लिए, हाँ क्योंकि मेरा टेबल ले लेना। 200 ओके आ गया, मतलब एक कॉलम एग्जिस्ट करता है हमारा। अगेन इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, 200 ओके फिर आ रहा है, फिर से इंक्रीज करेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा, समझने का ट्राई करना। 3 पे हमारा 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया, इसका मतलब हमारे पास 2 ही कॉलम है, ठीक है? इसको क्लियर हो जाओ। कौन कौन से कॉलम हमारे ऐसे हैं जो कि मतलब टेबल का नहीं, अगर हमारे पास टेबल नेम नहीं है तो डमी टेबल, मैंने कल बताया था क्या था, डुअल करके होती है इसमें, डमी टेबल होती है इसमें डुअल, ये याद रखो। यस मैम, यूनियन स्लिप फॉर्म और ओरेकल के लिए खासकर। मैंने सेंड किया इसको, 200 ओके आ गया, इसका मतलब मेरा जो दोनों कॉलम है जो हमें फाइंड आउट हुआ था, मुझे 2 कॉलम फाइंड आउट हुए थे जिसमें से मेरा दोनों कॉलम फिक्स डेटा को होल्ड कर रहा है। अगर मैं इसको रिस्पांस में दिखाना भी चाहूँ, मैंने कल भी दिखाया था जैसे तुम सबको, तो अगर देखोगे तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर तुमको रिस्पॉन्स में दिखेगा, ये देखो है ना। एंड अगर ब्राउज़र पर देखना चाहो, जैसे जो रिक्वेस्ट मैंने कैप्चर किया हुआ था, जैसे ये कॉलम्स दिख रहे हैं अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक देखो, 2 कॉलम ऐसे भी, मैंने कल एक बताया था वैसे भी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है भाई, मैं वेबसाइट देख के भी पता कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ डिस्क्रिप्शन होता तो 3 कॉलम होते, लाइक इसका एक टाइटल का, एक डिस्क्रिप्शन का, एक टेक्स्ट डेटा का जो होल्ड कर रहा है, बाकी यहाँ पे 2 ही हैं, एक टाइटल को होल्ड कर रहा है, एक डिस्क्रिप्शन को। अगर मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ से कॉपी करूँ एंड देखना, यहाँ पे जो डेटा मैंने एंट्री की थी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, समझ में आ गया? यस। अगेन हमको ये तो फाइंड आउट हो गया कि हमारे दोनों टेबल जो हैं वो टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं। अभी बात आती है एज द लास्ट लैब, हमको इसने खुद बता दिया है कि ओरेकल डेटा टाइप है, तो हमको वर्जन वगैरह फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन ओरेकल बोला था फाइंड आउट करने को, तो हमने फाइंड आउट किया हुआ था। अभी जस्ट हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस, अपने डेटाबेस का जो कंटेंट है उसको डंप करने का ट्राई करेंगे।
कमांड जल्दी जल्दी बोलते जाना सारे लोग, एंड देख भी यहीं से मैं उठा लेता हूँ, एक घंटे लिखने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल्स, बेसिकली यहाँ पे ये इस टेबल का भी यूज तुम कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। एंड हमको पता है हमको क्या फाइंड आउट करना, टेबल ना, हम जस्ट टेबल नेम देंगे। एंड अगर इसका भी तुम इंफॉर्मेशन देखोगे तुमको भी वहाँ पे भी सेम चीज ही मिलेगा, टेबल नेम कॉमा फ्रॉम ऑल, डॉट लगा है कॉमा नहीं लगा, ये ध्यान रखियो। हो जाता है भाई, गलती हो जाती है, क्या करें। हाँ हो जाती है, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ध्यान रखियो तो चेंज कर। बिल्कुल सही है, जरूरी है, एरर को खड़ा करो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके अगर मैं पेस्ट करता हूँ, एंड अगेन मैं यूआरएल इनकोडिंग का यूज करूंगा, रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा मैं, 200 ओके आ गया। यस, हमको यूजर्स का टेबल एज द लास्ट लेयर जैसे हमने किया था, फिर से हमको यूजर्स फाइंड आउट करना लाइक एडमिनिस्ट्रेटर का, तो हम फिर से यूजर्स का फिल्टर लगा सकते हैं। मे बी मिलेगा हमको, एक मैच और है, एरो की दबा लेना, क्या चीज, एरो वाला बटन दबा लेना, दो मैच है ना, एक तो हो गया, हाँ एक और है, देखी है ये यूजर्स, अरे का। नीचे एरो की दबा ले गुरु, दो मैचेस है ना यूजर्स के। Yes. ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऐप अरे हाँ मैं वही कर रहा हूँ, उसका टेंशन ना लो, मैं वो चीज देख रहा हूँ करके, बट हो नहीं रहा, मैं नीचे ही ट्राई करूंगा, रुक जाओ, शायद यूजर्स करके ही मुझे कुछ मिल जाए। STUV, मैं वही कह रहा हूँ तुझे, ऐसे तो ढूंढ ले, वो नहीं हो रहा था भाई, मैं एरो की सब कुछ अब, अरे ये वाला एरो, ये देख यूजर्स के लेफ्ट साइड में जो एरो है, ये हाँ ये हाँ, ऐसा बोला करो ना तुम, एरो की बता रहा हूँ मैं कीबोर्ड का प्रेस करते जा रहा हूँ। अच्छा चलो कोई, सबको मैं कंफ्यूजन में डालता हूँ, तुम मेरे को ही कंफ्यूजन में डाल रहे, ठीक है। टेबल नेम हमको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अगेन सेम हमको फिर से क्या फाइंड आउट करना है, कॉलम, कॉलम के लिए तुम इस कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कमांड एकदम माइंड में सेट कर लो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, ये हर जगह तुम यूज कर सकते हो। टेबल फाइंड आउट करना है इसका यूज कर सकते हो, कॉलम फाइंड आउट करना है इसका यूज कर, जब टेबल फाइंड आउट हो जाएगा टेबल का नेम यहाँ पे दे सकते हो, कॉलम नेम अंडर स्कोर नल, या तीन कॉलम है तो अंडर स्कोर नल नल कॉमन नल कॉमन नल, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसने इसको फालतू का कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे हमारा कमांड होना चाहिए कॉलम अंडर स्कोर नेम, फिर से मैं नेम गलत कर रहा हूँ, सबकोट और यूनियन बाकी है। हाँ बिल्कुल, यूनियन सिलेक्ट, कॉलम नेम हमारा हो गया कि हमको कॉलम नेम फाइंड आउट करना है, इस टेबल के अंदर जितने कॉलम हो सारे कॉलम डंप कर दो, एंड दूसरे कॉलम जो लाइक डेटाबेस का जो कॉलम है उसको हमको प्रिंट नहीं करना है या डंप नहीं करना, तो हम वहाँ पे नल की वैल्यू दे देंगे, फ्रॉम ऑल टेबल्स कॉलम वेयर टेबल नेम, टेबल का नाम नेम की जगह पे हम इसको दे देंगे, टेबल नेम फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। यस, एंड इसको कमेंट आउट कर देंगे, SQL की सबसे बुरी बात मुझे खुद यही लगती है कि इसके कमांड्स होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं भाई,
URL encoding करेंगे, send करेंगे. 200 ओके आ गया. Yes. देखो यूजर्स पे वन मैचिंग दिखा रहा है ये, बट ये वो चीज़ नहीं है. बेसिकली हमको यूजर नेम पे जाना है. मिल गया हमको, यूजर नेम का जो कॉलम था हमको फाइंड आउट हो गया. एंड सेम अगर हमको पासवर्ड के लिए करेंगे तो हमको पासवर्ड के लिए भी मिल जाएगा. सो फिकर नॉट. हमारा पासवर्ड का कॉलम. ओके गाइस. ओके क्या हुआ था डेटा डंपिंग के लिए? जस्ट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम जो हमको प्रिंट करना है, पहला कॉलम हम कॉलम हमको पासवर्ड भी साथ में प्रिंट करना है. और जो चीज ये कह रहा था ना ग्रुप कॉन्कैट वगैरह, कभी अभी इसी में आगे तुमको मिलेगा. वो क्या करेगा ना, वो तुम्हारा ऐसा अलग अलग कॉलम में नहीं होगा, वो एक ही कॉलम में यूजर नेम और पासवर्ड साथ में स्टोर हो रहा है वो. तुम बट तुमको इतना लंबा कैरेक्टर दे देगा, तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें यूजर नेम का पार्ट कहाँ तक है एंड पासवर्ड कहाँ. उस टाइम हम कुछ कमांड्स का यूज करेंगे जो कि दोनों को सेपरेट कर देगा. ठीक है, वो आगे मिलेगा. हमारा टेबल नेम क्या हमको फाइंड आउट हुआ था, ये. ठीक, सुशांत जी कहाँ गायब थे? रेस्ट ऑफ द कोड हम कमेंट आउट कर देंगे. नेट खत्म हो गया था, रिचार्ज कर रहे. बढ़िया भाई. पेस्ट किया मैंने इसको, वायरल इनकोडिंग की. ये तो सभी को पता होगा ना यूआरएल इनकोड किस शॉर्टकट कैसे करते हैं. यस कंट्रोल. 200 ओके आ गया मेरा रिक्वेस्ट रिस्पांस. अभी अगर मैं चेक करूं, ये बेसिकली क्या इसने प्रिंट किया होगा, यूजर नेम जितने भी इस वेब एप्लीकेशन में होंगे उनको एंड उसका पासवर्ड एंड एडमिन लिख लेना. पता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेटर का करना है तो हमको ये मिल गया. PHPD एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. हाँ यही आई थिंक पासवर्ड भी वही है. ओके मैं ट्राई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लेता हूँ. माय अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं लॉगिन करता है कि नहीं. इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. कमांड तो हमारा सही है, इसकी बात नहीं. अबे नहीं सही नहीं है, दोनों जगह यूजर नेम डाल रखा है, उस चीज को देख पासवर्ड आएगा एक जगह. सॉरी गाइस, सही कहा उसने, मैंने पासवर्ड का नहीं किया हुआ था ये चीज ना. हाँ ये तभी मैं कहूँ पोर्ट फिगर वाले इतना इजी तो नहीं कर सकते. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यही सारे मिस्टेक्स हैं जो कि अगर मैं अभी पता चला, अगर मैं लर्निंग फेज में होता, अकेले बैठा होता, मेरे मुझे ध्यान देना पड़ता. मैंने कॉपी किया, URL encoding की एंड रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया. एंड अभी मैं ट्राई करूंगा वन मैच कहाँ पे आ रहा है. एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमारा मिल गया, यूजर एंड पासवर्ड. मैं इसको कहूँ एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड हमारा ये रहा. मैं लॉगिन करूंगा, हो गया, मैंने लॉगिन कर लिया सर. समझ में तो आ गया होगा सबको. अगर किसी को अभी भी कोई को, बहुत ही कॉमन सा स्टेप आज भी था, जस्ट कॉलम फाइंड आउट करो, टेक्स्ट डेटा कौन सा कॉलम होल्ड कर रहा है उसको फाइंड आउट करो, टेबल को डंप करो, उसके बाद कॉलम को डंप करो, उसके बाद कंटेंट को डंप कर दो पूरे डेटाबेस के. ठीक है
यस सर एनी डाउट किसी को अभी भी सुशांत एंड पंकज यस सर कोई डाउट इसमें एंड देखो जब तुम स्टार्टिंग से देखोगे ना जो लास्ट वीडियोस तुम्हारे छूटे हुए हैं यस सर तो वहां से तुमको हर एक चीज क्लियर होता जाएगा क्योंकि भाई देखो लंबा भले जा रहा हूँ मैं इस चीज को चाहूँ तो 5-5 मिनट में भी करा सकता हूँ बट मेरा मेन मकसद ये है कि तुमको फिर लाइफ टाइम इस चीज के लिए कहीं दूसरे किसी के पास ना जाना यस सर मेरे हिसाब से ये चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी एंड जिसको प्रैक्टिस करना हो अभी कर सकते हो बिल्कुल मैं टाइम बैठा हूँ यहाँ पे ओके गाइस